नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कंप्यूटर के संबंध में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह हमारी 10वीं वीडियो है, यानी कि अब तक हमने 9 वीडियो का निर्माण कर दिया है और प्रत्येक वीडियो में हम करीबन 20 प्रश्न के बारे में अध्ययन करते हैं। अधिकतर विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों के बारे में गंभीरतापूर्वक अध्ययन नहीं करते, जिसकी वजह से वो कुछ नंबरों से मेरिट में पिछड़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ सुझावों के आधार पर हमने कंप्यूटर से संबंधित इन वीडियो का निर्माण किया है। तो अगर अभी तक आपने YouTube पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रत्येक वीडियो को शुरुआत से आखिर तक ध्यानपूर्वक देखें और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होती थी? वैक्यूम ट्यूब जो है वो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें प्रयोग की जाती थी। वैक्यूम ट्यूब जो है वो शीशे की बनी होती थी, इस वजह से कंप्यूटर चलते समय बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न करता था और अक्सर ये वैक्यूम ट्यूब जो है वो ख़राब होने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता था और इसके साथ साथ कंप्यूटर का आकार भी बहुत बड़ा था। ये सारी चीज़ें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में होती थी। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि वो डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा इन करने के प्रयोग में नहीं लाया जाता है, तो इनमें से जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो है मॉनिटर। मॉनिटर यानी कि जो कंप्यूटर में टीवी के जैसे दिखता है, यह इनपुट की बजाय आउटपुट डिवाइस होता है। जियो का फुल फॉर्म, जियो जो है वो रिलायंस के द्वारा निर्मित की गई एक सिम नेटवर्क कंपनी है, नेटवर्क कंपनी है जो कि सिम के द्वारा हमें एक तरह से कॉल करने और नेट प्रयोग करने के लिए सुविधा देती है। तो जियो का जो फुल फॉर्म है वो है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो सेपरेट सीट है, यानी कि इस पे जो एक तरह सी फाइल होती है या जो पेज होते हैं वो सेपरेट सीट के रूप में होते हैं। कंप्यूटर घड़ी में स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो कंप्यूटर की घड़ी में स्पीड की जो गणना है वो मेगा हर्ट्ज में की जाती है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो हम टाइप किए हुए अक्षर होते हैं उनके नीचे एक लाल कलर की लाइन दिखाई देती है। ये लाल कलर की जो लाइन है ये ग्रामर से जुड़ी हुई जो गलतियां होती हैं उनको दर्शाती है। ये लाल लहर जो होती है ये ग्रामर से जुड़ी हुई गलतियों के साथ साथ स्पेलिंग में जो त्रुटियां होती हैं उनको ज़्यादा दिखाती है। ग्रामर की त्रुटियां तो बहुत कम दिखाती है, बल्कि इसकी बजाय कोई भी नाम की अगर स्पेलिंग गलत टाइप कर दी जाती है और वो स्पेलिंग टाइप करने के बाद में जैसे ही स्पेस दबाया जाता है अगर उसमें कोई गलती होती है स्पेलिंग में कोई भी अक्षर कम या ज़्यादा की, तो तुरंत उसके नीचे लाल कलर की लहराती हुई एक लाइन आ जाती है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है वो स्पेलिंग की त्रुटि। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? किसी भी प्रोडक्ट पर जो लाइनें प्रिंट की हुई होती हैं तो उसे बार कोड कहा जाता है और
कंप्यूटर में बार कोड के द्वारा उन चीज़ों को एक जो नंबर दिया हुआ होता है वो तुरंत पढ़ लिया जाता है। जैसे मॉल में अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस मॉल में बहुत से तरह की चीज़ें होती हैं और उन प्रोडक्ट के संबंध में उनके रेट, उनकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या उन पे क्या परसेंटेज की छूट दी जा रही है, ये सारी की सारी चीज़ें उस बारकोड के अंदर रिकॉर्ड की हुई होती हैं। तो जो भी कैश काउंटर पे बंदा होता है वो बारकोड को जैसे ही एक डिवाइस से रीड करता है तुरंत उससे संबंधित जो जानकारी होती है वो कंप्यूटर में आ जाती है। फाइल में सुधार के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? कंप्यूटर में जो फाइलें होती हैं उनमें अगर सुधार करना हो तो सुधार से जुड़ी हुई सारी जो कमांड होती हैं वो एडिट मेनू में होती हैं, जिसमें कि कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट, ऑल से संबंधित जितने भी ऑप्शन होते हैं वो एडिट मेनू में होते हैं। एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी शीट हो सकती हैं? तो एक्सेल की प्रत्येक फाइल में 256 शीट हो सकती हैं। जिस तरह ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज होते हैं वैसे ही एक्सेल में शीट होती है और उसमें बॉक्स बाएं से दाएं ऊपर से नीचे बॉक्स बने हुए होते हैं और ये फाइल का जो पेज है पेज की बजाय इसे शीट कहा जाता है और ये शीट अधिकतम 256 एक फाइल में हो सकती हैं। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति होती है वो मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। नई फाइल की शॉर्ट की क्या होती है? किसी भी कंप्यूटर में नई फाइल अगर बनानी हो तो उसकी जो शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल एन। एन यानी न्यूमेरिक की को जब कंट्रोल दबाने के बाद एन को दबाया जाए तो वो नई फाइल के लिए शॉर्ट की के रूप में प्रयोग की जाती है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ है वो है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो माउस में दो बटन होते हैं, एक बायां बटन और एक दायां बटन। तो जैसे ही हम अधिकतर बाएं बटन का प्रयोग करते हैं, जैसे ही दाएं बटन पर क्लिक किया जाता है तो एक विशेष तरह का मेनू दिखाई देता है जिसमें कि इससे संबंधित जो कमांड होती हैं वो प्रयोग की जा सकती हैं। जैसे ये कर्सर है, ये कर्सर माउस की उपस्थिति को दर्शाता है और इसमें अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो कर्सर दिखाई देगा और अगर इसमें हम राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करते ही हमें ये एक विशेष मेनू दिखाई दे रहा है जिसमें कि कुछ विशेष तरह की कमांड जो अक्सर प्रयोग की जाती हैं दी हुई होती हैं। कंप्यूटर में जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। तो ये सारा का सारा जो कार्य है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? तो जो डिजिटल कैमरे होते हैं उनमें इन ऑप्शन में से फोटो डायोड जो है उसका प्रयोग किया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में जो पूछे गए सीरीज़ की वीडियो है के बारे में। अब तक हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बाद में कंप्यूटर के बारे में वीडियो शुरू की है और जल्दी ही हम अन्य विषयों पर भी वीडियो का निर्माण शुरू कर देंगे। तो अगर आप हमारी पहले की जो वीडियो हैं उनके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे अगर आप कंप्यूटर की वीडियो के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन जो कि हमारे चैनल का नाम है इसके नीचे
अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ आपको यहाँ कंप्यूटर से संबंधित जो विभिन्न वीडियो बनाई गई हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स्थ या सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ भी, तो वो वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक इसी तरह हमने जॉब अलर्ट के नाम से विभिन्न तरह की गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो वीडियो का निर्माण किया है, उनको भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर आप उस जगह जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जैसे कंप्यूटर से संबंधित चौथी वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस ब्लू लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये एक हाइपर लिंक है, इससे वो वीडियो की शुरुआत हो जाएगी। ठीक इसी तरह राजस्थान पुलिस की नौकरी के बारे में आप अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जब आप इस ब्लू लाइन पर क्लिक करेंगे तो राजस्थान पुलिस की जो नौकरी गवर्नमेंट जॉब आई हुई है के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु है, वो आप यहाँ एक वीडियो के रूप में देख सकते हैं। धन्यवाद।